अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आपण आपला दुसरा पाठ दोघेही जिंको हा पाठ आपण शिकणार आहोत। हा या पाठात एक कुत्र्याचे पिल्लू एक बदक यांच्या मैत्रीची कल्पना दिलेली आहे। चला मग बघूया आपला दुसरा पाठ दोघेही जिंको। एक होते बदक, एक होते कुत्र्याचे पिल्लू, दोघे होते मित्र। दोघांची पाण्याची शर्यत लागली। कुत्र्याचे पिल्लू पळत पळत पुढे गेले, बदक त्यांच्या मागे हळूहळू चालत निघालं। रस्त्यावर होती नदी, नदी कशी पार करायची पिल्लाला समजेना। ते नदीच्या तीरावर थांबले। बदक चालत चालत तेथे पोहोचले। बदकाने पिल्लाची अडचण ओळखली। बदक पिल्लाला म्हणाले, तू बस माझ्या पाठीवर, आपण पलीकडे जाऊ। दोघांनी नदी पार केली। बरं, पुढे काय झाले असेल? तर कुत्र्याने विचार केला, कुत्र्याशी पिल्लाने विचार केला, बदकाने नदी पार करायला मदत केली नसती तर मी शर्यतीच्या ठिकाणी पोहोचलोच नसतो। त्याने बदकासोबत शर्यतीच्या ठिकाणी एकत्र जायचे ठरवले। दोघे एकाच वेळी तेथे पोहोचले, म्हणून ते दोघेही शर्यत जिंकले। प्यारे बच्चों, इस पाठ में, इस सबक में यह बताया गया है कि एक बदक और एक प्यारा सा कुत्ते का बच्चा था। वे दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ने एक दिन भागने की शर्यत लगाई। कुत्ते का छोटा सा प्यारा सा बच्चा दौड़ता हुआ आगे निकल गया। बदक धीमे धीमे चलकर आया। रास्ते में एक नदी थी। वो कैसे पार करे वो कुत्ते के बच्चे के समझ में नहीं आया। वो वही नदी के किनारे रुक गया। बदक भी वहाँ पहुँच गया। बदक ने बच्चे की मुश्किल समझी और उस बच्चे से कहा, तुम मेरे पीठ पर बैठो और हम नदी के उस पार जाएंगे। कुत्ते का प्यारा सा बच्चा बदक के पीठ के ऊपर बैठ गया और दोनों ने आसानी के साथ नदी को पार कर लिया। आखिरकार कुत्ते के बच्चे ने सोचा, अगर बदक ने मुझे नदी के उस पार जाने के लिए हेल्प ना की होती तो मैं शर्यत जहाँ ख़त्म होने वाली थी वहाँ तो पहुँच ही नहीं सकता था। उस प्यारे से बच्चे ने बदक के साथ जाने का सोचा और दोनों भी एक साथ नदी के उस पार पहुँच गए और दोनों ने अपनी शर्यत जीती। तो प्यारे बच्चों, आपने इससे क्या सबक सीखा? तो हमने ये सबक सीखा है कि मुश्किलात में काम आने वाला सच्चा दोस्त ही होता है। उसमें हार और जीत की कोई बात ही नहीं होती। प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, अपेक्षा आहे की आपल्याला ही पाठ समजलाच असेल। फळ्यावर काही प्रश्न मी दिलेले आहेत, ते कृपया लिहा, वाचा आणि पाठांतर करा। पहिला प्रश्न आहे, या पाठात कोणकोणते प्राणी आहेत? दुसरा, बदक कोणाच्या मागे चालत आहे? तिसरा, बदक व पिल्लू कोठे थांबले आहे? चौथा, पिल्लू कोठे बसले? आणि सगळ्यात शेवटचा प्रश्न क्रमांक 5, पाण्यात कोणाला होता येत नाही? अपेक्षा असेल आपल्याला हे पाठ समजलं असेल। धन्यवाद।